नमस्कार, मैं रवि गुप्ता और आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे बिहार झारखंड। आज लगातार बाजार में जो चर्चा बना हुआ था एसआर सुमन सर का, आखिरकार हमने पड़ताल कर ही लिया और उनसे आपको रूबरू भी करवा रहे हैं। आज बिहार बोर्ड 12th का बायोलॉजी विषय का एग्जाम था और जिस टीचर का सबसे ज्यादा बाजार गर्म था एसआर सुमन, जिनका 80% क्वेश्चन टकरा गया गेस। आइए हम उनसे आपको बात करवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। बच्चे के बीच जो चर्चा थी कि 80% घेस आपका टकरा गया सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, हम लोग का जो एक्सपीरियंस होता है, और जहाँ तक देखा जाए तो बच्चे का एक्सपीरियंस, बच्चे अगर मान लीजिए 2 साल से पढ़ रहा है 11th, तो बच्चे क्या करते हैं, घेस क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो बच्चा है जो गेस क्वेश्चन करता है कि भाई ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, तो 20 वाला पढ़ लेते हैं, 18 वाला पढ़ लेते हैं, 17 वाला पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो है 7 साल का एक्सपीरियंस है। और 7 साल के एक्सपीरियंस मैंने देखा कि पिछले साल, उससे पिछले साल, है इस तरीके से कंटिन्यूस ईयर में धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होते गया, और एक बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट में, कम से कम पेज का जो गेस हम प्रोवाइड करते हैं ना, जो लास्ट में, वैसे बच्चे के लिए जो बच्चे मान लीजिए किसी कारणवश नहीं पढ़ाई कर पाए, तो वैसे बच्चे के लिए तो हमने जो क्वेश्चन गेस किया था, जो हमारे पास 9 पेज का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आंसर इसके अंदर है, उसी में से जो बच्चे एग्जाम दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, यानी आपने आपको तो पता चला ही होगा, है ना, आप जहाँ गए थे, आप खुद आए हैं यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में 80% बच्चा लोगों का करना है, कोई बच्चा 85 करता है, कोई बच्चा 90 भी होता है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन आया है। बच्चों के लिए तो सर अमृत हो गया आज का क्वेश्चन आपका, जो एक तरीके से कहा गया पावर बूस्टर आपने बच्चों को दे डाला था, तो सर किस तरीके से आपने बच्चों को तैयारी करवाई? देखिए सर, ये पावर बूस्टर हो या जिस प्रकार का बूस्टर हो, लेकिन हमारा तैयारी कराने के एक अलग तरीका होता है। हम शुरू से क्या करते हैं, बच्चे को टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, हर चैप्टर का पूरा डिटेल एनालिसिस करके पढ़ाते हैं बच्चों को। और ये जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि आप आए हैं पढ़ने के लिए, आप 12th पास करके चले जाएंगे। 12th पास करना ही अगर आपका मोटो है, तो उस सिचुएशन में आपको आगे जाकर कुछ नहीं होने वाला है। आप शुरू से पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, तब जाकर के कल के दिन में आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक रहा गेस के बाद, गेस क्वेश्चन की बात, तो गेस क्वेश्चन क्या है ना, लास्ट में बच्चों को दिया जाता है एग्जाम से 20-25 दिन पहले हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं उसको एनालिसिस करके अपने जाकर के एग्जाम में फुलफिल करते हैं। लेकिन सर, जैसे कि अभी जो पैटर्न है ना एग्जाम का, अगर वो पैटर्न कंटिन्यू बिहार सरकार रखे ना, तो बच्चे में एक एक्यूरेसी आएगी पढ़ने के लिए, बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तब जाकर। बिहार बोर्ड का सर जो पैटर्न देखा गया जी, क्वेश्चन किस तरीके का, क्या आपके ढंग से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बच्चों के लिए कितना लाभदायक है सर, और क्या इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है चाहे वो बायोलॉजी का देखा जाए, तो किस तरीके का क्वेश्चन है सर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा सर, वैसे बच्चे के लिए, वैसे टीचर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, जो टीचर बहुत डिटेल में बच्चे को टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, वैसे बच्चे के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, जो बच्चे काफ़ी डिटेल में जाकर पढ़ते हैं, टाइम देते हैं पढ़ाई पे, उनके लिए बहुत अच्छा रहा। और जो बच्चे मान लीजिए पढ़ाई नहीं करता है, गार्जियन से आले पेमेंट लेके आते हैं, दरभंगा घूमते हैं, हम लोग को 7 साल के एक्सपीरियंस है सर जी, हम लोग भी पढ़ाई करके यहाँ पर आए हैं। हमारे समय में बच्चे मोबाइल फोन तो बहुत दूर की बात था, पढ़ाई पर पूरा फोकस करते थे। आज आप देख रहे हैं, आज न्यूज में है, आज आप हर जगह जाते होंगे, है ना, तो उस इश्यू में आप देखते हैं कि बच्चे का माहौल क्या है, पढ़ाई में बहुत ही क्या दूर तक नाता नहीं है बच्चे का। लेकिन सर, अगर इस तरीके का रवैया रहा ना, तो एक दिन ऐसा होगा ना कि पढ़ाई लिखाई 0 हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, बच्चे मन से पढ़ाई नहीं करेंगे। जिस तरीके से सारे सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, हम यही कहेंगे कि इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखें, जिससे बच्चे मन से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन था नीट लेवल का क्वेश्चन था, अब उस क्वेश्चन को फुलफिल करने के लिए, पूरा बनाने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, तो
पूरा रूटीन में पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक पर फोकस करना पड़ेगा, आपके जो फैकल्टी आपको जो पढ़ाते हैं उस पे पूरा अमल करना पड़ेगा, उनके हर बात को मानना पड़ेगा। लास्ट में क्या होता है, कुछ बच्चे हमारे पास भी, बहुत सारे बच्चे इस बार भी, हम 450 बच्चे को क्रैश कोर्स में पढ़ाए, सिर्फ क्रैश कोर्स में जिसमें लगभग हम 1.5 महीना पढ़ाते हैं। वो बच्चे कहाँ से आते हैं, हमारे अपना बच्चा तो नहीं क्रैश कोर्स करता है, हमारे पास जो बच्चे 11-12 कंटिन्यू पढ़ते हैं वो बच्चे क्रैश कोर्स तो नहीं करते हैं, वो बच्चे आए कहाँ से? तो वही बच्चा जिनके गार्जियन बच्चे को पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में गाइडलाइन नहीं किए, बच्चे सही से पढ़ाई नहीं किए, तब जाकर के वो बच्चे को लास्ट में लगता है कि हमें पास करना है, तो कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन करे, तो लास्ट में उनको पता चलता है कि सुमन सगर के सच्चा आता है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करते हैं, वहाँ करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड की एग्जाम में जो तहलका मचाए हैं यही है वो एसआर सुमन सर, एक्सीलेंट बायोलॉजी वाले, तो क्या सर नीट में भी तहलका मचेगा? जी बिल्कुल, आप पिछले साल का रिजल्ट देखिए, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो आज मेडिकल कॉलेज में हैं, अच्छा लगता है कभी उनसे बातचीत होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं कि सर आप हैं, आपके भरोसे, आपके मदद से, आपने जो हमें रास्ता बताया उस रास्ते की मदद से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नीट की तैयारी सर आपके बच्चे क्रैक कैसे करें नीट? ये देखिए सर, शॉर्ट में हम क्लास में भी बहुत बार बोलते हैं कि नीट का तैयारी या किसी कंपटीशन का तैयारी करना बहुत आसान है, अगर वो बच्चे प्रॉपर गाइडलाइन पढ़े तो। अब देखिए, अगर हम नीट के बारे में बात करें तो बच्चे को सिलेबस फिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब उस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बायोलॉजी का खास करके बात किया जाए तो क्वेश्चन तो ऑड है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन ऑड है, ये क्वेश्चन कहाँ से ऑड हो गए? तो क्वेश्चन ऑड है सर, क्या है ना कि क्लास 11 और क्लास 12 आप एनसीईआरटी को प्रॉपर वे में समझिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है सर, क्योंकि अब जो किसी भी कंपटीशन का, अभी बिहार बोर्ड का देख लीजिए एग्जाम हुआ है, जो बच्चा सिर्फ पढ़ के गया है ना उसे कुछ नहीं होने वाला है, उनको समझना पड़ेगा डीपली, उनको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ करिए। ऐसे रिजल्ट नहीं हो सकता सर, रिजल्ट को पूरा करने के लिए बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर वे, प्रॉपर गाइडलाइंस, ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जैसे फिर मई में एग्जाम होगा, आप उस एग्जाम के लिए क्या करेंगे बच्चा, तैयारी नहीं करेंगे। क्यों तैयारी नहीं करेंगे? जो बच्चा 12th का एग्जाम दिए उसमें से 90% प्लस बच्चा क्या करेगा, डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट कैसे? हमने 12th का एग्जाम दे दिया, अब हमें क्या करना है, घूमना है। वही बच्चे कल के दिन में क्या करते हैं तो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसी में से जो 10% बच्चा बाहर पढ़ता है, वो 10% जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, अभी से एग्जाम दिए 1-2 दिन रिलैक्स होगा, इसके बाद कंटिन्यू अपने लक्ष्य की तैयारी करेंगे। क्या सर जो बच्चे नीट का इस बार एग्जाम देंगे, क्या उनके लिए भी जिस तरीके से बिहार बोर्ड में बच्चों ने 80% से अबव स्कोर किए हैं केस के थ्रू, जी लगता है कि बिहार बोर्ड आप ही का केस उठा के छाप दिया जी, तो क्या बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या आप ही क्वेश्चन सेट किए थे क्या? अब बच्चा का अपना ओपिनियन होता है और हम अभी है तो हमारा अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव, सबके सब लोग पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, तो ये सुन करके मुझे अच्छा लगता है। बच्चे एग्जाम हॉल से निकले उसके आधा घंटा बाद मैसेज आता है हमारे पास, थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा रहा एग्जाम आपका, आपके गेस्ट से हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा रहा एग्जाम, बहुत बढ़िया रहा। तो क्या नीट के लिए भी कुछ ऐसा सर आपके पास रामबाण है? जी सर, हमने बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा था जिस चीज़ का, और वो चीज़ आज हमारे पास है, और कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत सारी परेशानी देखने को मिलता था जी, कि हमारा प्रॉपर वे में सही तरीका से जो है ना तैयारी नहीं हो रहा है, हम नीट का तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक रास्ता बनाया है, एक हमने सिस्टम डेवलप किया है, और उस सिस्टम के अंदर बच्चे को पूरे अच्छे तरीका से बारीकी से हमारे जो भी मेंटर्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है एक्सेलेंट विद्यापीठ,
ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जिसका 26 सितंबर 2022 को हमने इसको ओपनिंग किया है। वो एक्सेलेंट विद्यापीठ भटियारीसराय में है, जहाँ पे जो है सर खास करके नीट के बारे में बात किया जाए, बीएससी नर्सिंग के बारे में बात किया जाए, आईसीएआर के बारे में बात किया जाए, तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है। हमारे पास हर सब्जेक्ट की जो फैकल्टी है सर, प्रॉपर वे में टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है, सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। और उसके लिए अगर कोई बच्चा मान लीजिए ट्वेल्थ का एग्जाम दिया, वो चाहता है कि नहीं अभी से हम तैयारी करें और आकर हम सर के यहाँ ज्वाइन कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। कब से बैच है सर? सर 22 तारीख से उसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसी 20 हाँ सेकेंड फेब्रुअरी से। तो बच्चे को बेनिफिट्स होगा सर, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक बात ध्यान रखिए सर, इसमें क्या है ना, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी पढ़े हैं, वो बच्चे जो ट्वेल्थ अभी अपियरिंग में है, मतलब अभी तो एग्जाम दे दिया, आप इसको अपियरिंग में कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, सिर्फ उसे एक रास्ता पर लाना है, और उस रास्ते पर आने के बाद वो बच्चे अपने आप क्या होगा आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे जितने मेंटोर है बहुत ही वेल क्वालिफाइड मेंटोर है। बायोलॉजी आप ही पढ़ाएंगे? बायोलॉजी हम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर बायोलॉजी तो पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ेगा। कि जिस तरीके से सफलता बच्चों ने बिहार बोर्ड 12th में पाया जी, है जी। तो कहीं ना कहीं बच्चों का एक्सपेक्टेशन भी होगा कि नीट में भी आप ही से बायो पढ़े हो। नहीं सर, ये तो बात आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। हम कोशिश भी किए थे कि कुछ बच्चा जो हमारे पास अभी बैच चल रही है 11th का 12th का बैच अभी चल रहा है, फिलहाल स्टार्ट हुआ है, और हमारे पास एक टारगेट बैच भी है उसमें ही बैच चल रहे हैं। तो हमने एक दिन ऐसे कहा कि हमारे पास थोड़ा समय का दिक्कत है, हम बायोलॉजी के एक्सपर्ट फैकल्टी बुलाते हैं। तो बच्चे ने कहा सर नहीं सर, बायोलॉजी तो पढ़ेंगे आपसे ही पढ़ेंगे। हमारे ठीक है कोई दिक्कत, बायोलॉजी हम खुद पढ़ाएंगे और हम पढ़ाते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर आपसे, बच्चे आखिर किस तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन अपने अंदर लाएं ताकि जो सफलता की कुंजी हो वो आसानी से उनको मिल सके? देखिए सर, कोई बच्चा या कोई भी वर्कर किसी भी प्रकार का काम करना चाहता है तो उसके लिए एक चीज पर ध्यान रखना है, उनको ध्यान क्या रखना है कि झूठ नहीं बोलना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दें सर, अभी ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे दरभंगा आते हैं, और उसमें से कुछ बच्चा का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, सबका रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा जी। अब वो बच्चा क्या करते हैं तो अपने गार्जियन के साथ अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं, उनके हर बात को मानते हैं और उनसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप भी गार्जियन हैं, अगर आपके बच्चे कल के दिन में आपने इसे बाहर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए और आप पूछते बाबू कहाँ हो, और वो बच्चा बोलता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं जी, आप तो उन पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन वो बच्चा क्या है कहीं घूम रहा है तो स्वाभाविक है सर उसका रिजल्ट नहीं देगा। बिल्कुल, हम एक ही बात जानते हैं सर, दुनिया में ना माँ बाप आपका साथ नहीं छोड़ सकता है, वो आपके है ना साथ हमेशा रहेंगे। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, अगर आप माँ बाप से यानी फादर मदर से आप झूठ बोलते हैं ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि गार्जियन तो ये समझ लेते हैं कि मेरा बेटा सही कर रहा होगा, गाइडलाइन वो नहीं कर पाते उस प्रकार से। अगर आप स्टूडेंट है और अपने गार्जियन से सही बता रहे हैं कि पापा या मम्मी मुझे इस तरीका से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वहाँ चला गया तो आपके गार्जियन समझाएंगे, आप टीचर से शेयर करते हैं आपके टीचर आपको प्रॉपर वे में समझाएंगे, आप उनके बताए हुए रास्ते में चल सकते, रिजल्ट जरूर आएगा। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात क्या है ना, रिजल्ट करना बहुत आसान है लेकिन बच्चे पढ़े तब तो बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिए जब तक हम लोग 7 साल के एक्सपीरियंस है, हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आए, अगर बिहार बोर्ड के बारे में बात किया जाए तो बायोलॉजी में 95 मार्क्स आदर्श कुमार का 95 मार्क्स रहा है, तो उस सिचुएशन में वो बच्चा 95 मार्क्स क्यों लाया, तो हर बात अगर उसे कोई प्रॉब्लम होता था तो रोक करके पूछ लेता था। इस तरीके से बहुत ऐसे बच्चे जिसका 94 मार्क्स है, 92 मार्क्स है, 90 मार्क्स है, अब बोले सर सबका नाम बताइए, तो हम सबका नाम बता सकते हैं लेकिन क्या है बहुत सारी बातें हैं उस पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं। अब देखिए
अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, तो 2020 में एक जब कोरोना काल था तो एक प्लानिंग चल रहा था कि भाई कुछ किया जाए वैसे बच्चे के लिए, जो बच्चे चाहते हैं कि हम मेडिकल फील्ड में तो है बट हमसे मेडिकल नहीं हुआ। यानी देखिए सर, ऐसा नहीं कि बच्चे को मेडिकल नहीं हो रहा है, हमारे पास सीट की कमी है जी, हमारे पास सीट की कमी है जिसके कारण वैसे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं मेडिकल। अब उनके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या? हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हमारा एक तीसरा ब्रांच है जिसका नाम है एक्सेलेंट गुरुकुल, और उस एक्सेलेंट गुरुकुल में पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, उसका प्रिपरेशन भी होता है। शायद आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, बट हम आपको ये जानकारी दे दिए, ये सर है ना एक्सेलेंट गुरुकुल जिसमें पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक। आप कहेंगे सर इतना काम आपके पास, तीन तीन ब्रांच है, एक्सेलेंट बायोलॉजी संभालते हैं, एक्सेलेंट विद्यापीठ संभालते हैं, एक्सेलेंट गुरुकुल संभालते, ये कैसे संभव है? सर मेहनत काम करता है, मेहनत रंग लाता है सर। और अभी इसमें पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का जो है ना क्लास चलता है एक्सेलेंट गुरुकुल में, उसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है सर। जो लो फैमिली के बच्चे हैं, जो टाइम देना नहीं चाहते हैं, वो कम समय में सेटअप होना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे के लिए 21st फरवरी से पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का अलग से बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। बच्चों के बीच जो चर्चा था एसआर सुमन सर का, उनसे हमने आपको रूबरू आखिरकार करवा ही दिया। टाइम्स टुडे बिहार झारखंड के साथ आप यहीं बने रहे, और जो भी मार्केट में ठौकाल मचाएगा वह टाइम्स टुडे बिहार झारखंड पहुंचेगा। मैं रवि।